माफ करना दोस्तों, वो डेटा जो है पिछला कोई मैंने खोल लिया था और उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दी तो बाद में देखा मैंने कि मुझे अजीब सा उसको पढ़ते हुए लग भी रहा था, और उनसे भी रिक्वेस्ट है जिन्होंने उस पर कमेंट कर दिए थे परफेक्ट एनालिसिस ही, भाई थोड़ा थोड़ा देखो यार कि है ना कहाँ गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ये है और ये लेटेस्ट है जो मतलब कल की चेंजमेंट है। तो मैं सीधा नेट पोजिशन पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर कंक्लूजन करेंगे, देन लास्ट में चार्ट पे देखेंगे कि क्या इसको प्ले करने का तरीका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये इंडेक्स फ्यूचर में नेट पोजीशन पे 17,000 उतना ही रखा है इन्होंने, कोई खास चेंजेस नहीं हुई है। DIs ने हल्के से बढ़ा लिए जो कि 38 से 41 हो गया है, और FIs भी ज़्यादा नहीं है, 26 से 22 पे आ गए हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें। कॉल राइटिंग अब ये बुलिश हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब इन्होंने एडिंग की है कॉल की, तो ये यहाँ पे आप देखो लॉन्ग ज़्यादा ऐड किए, तो नेट बेसिस पे 103 जो कॉन्ट्रैक्ट माइनस में थे अब वो घट के रह गए हैं 25, वो वहीं पे इन्होंने सिर्फ 127,000 से 100,000 घट के रह गए 117,000। वहीं ने प्रोज ने कॉल राइटिंग कर दिया, मतलब हल्का फुल्का मार्केट इनको नीचे लग रहा है, तो -92 -25 ये होते हैं 117,000, इसी के अगेंस्ट में FI की बाइंग है 117,000। तो ये डेटा है अपने दिमाग में रखिए 117,000 का, ठीक है, जो कॉल की बाइंग है FI की और इन दोनों की राइटिंग है प्रोज और क्लाइंट की। वहीं पे पुट राइटिंग इन्होंने थोड़ी बहुत बढ़ा दी है, -135 से -141 हो गए, और पुट बाइंग अपनी इन्होंने बढ़ा दी है जो कि अपने FI 1,61,000 से हो गए 1,67,000, तो 1,41,000 और -58 1,89,000 कितना बनता है 89 ही नहीं भैया 2,00,000। तो पुट की राइटिंग हो गई है 2,00,000 कॉन्ट्रैक्ट की जो कि अगेंस्ट में बाइंग है पूरे की पूरी DI प्लस FI की। यहाँ पे देखो आप, इसी को देख के मुझे शंका हो रही थी कि भैया 8,00,000 तो प्लस हो जाने चाहिए, ये हो गए 8,51,000 और ये 1,21,000 आ चुके थे, तो ये 1,38,000 जो है ना, मैंने ये वाला डेटा रीड कर दिया इस दिन वाला, दो दिन पहले का, शायद थर्सडे का है, ठीक है, और यहाँ पे अब बचे 1,00,000। तो अब थोड़ा खतरे की घंटी है, थोड़ा रेड फ्लैग है कि भैया 1,00,000 आ गए हैं स्टॉक फ्यूचर FIs के। तो इस डेटा को देख के ना तो इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं ना इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। हाँ, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो अब थोड़ी बेयरिश साइड हो गई है। कैसे? स्टॉक फ्यूचर घट गए हैं अच्छे खासे घट गए लास्ट 2-3 डेज में, 1,00,000 के करीब आ गए हैं, ठीक है। एक ये नेगेटिव पॉइंट। दूसरा, कॉल की पुट की राइटिंग का डेटा बढ़ा है कॉल की राइटिंग से, जिसमें यहाँ पे जो एकदम से डेटा घटा है, मतलब क्लाइंट अब तेजी में आ गया है, 1,03,000 से सिर्फ 25 रह गए हैं, और पुट में और तेजी में आ गया क्योंकि उसके 1,35,000 से 1,41,000 हो गए। तो रीडिंग गाइस वही है चार्ट पे, सीधा हम चार्ट पे आ जाते हैं। ये है अपना निफ्टी, 15,150 के नीचे ही हमको इस बेयरिश साइड जो इन्होंने दिखा रखी है डेटा में, FI के स्टॉक फ्यूचर इतने घट गए हैं, पुट की राइटिंग इन्होंने खाने के लिए अपनी पुट की बाइंग बढ़ा ली है, कॉल घटा ली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी मंदी खेलना चाह रहे हैं, पर मंदी ज़्यादा लंबी मेरे को नहीं लग रही है। तो ये जो मंदी आपको खेलनी है, ये आपको 150 के नीचे खेलनी है, और 15,050, 15,040 यहाँ पे इसको कवर कर लेना है। इन केस मार्केट 15,030 को भी तोड़ के नीचे होल्ड करता है तो और फर्दर आप 50-60 पॉइंट के लिए मार्केट को खेल लीजिए, फिर आपको 960-970 के पास आके डेफिनेटली शॉर्ट कवर कर लेना है। ये जो नेगेटिव डेटा है मेरे को फिलहाल इतना ही लग रहा है, 960-970, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ से आगे आप इसको कैरी ना करें, और जो खेलें इस बेरिश साइड को इंट्राडे के लिए ही खेलें, लंबा ना खेलें, ठीक है। 1-2 दिन का ही पेन है ये, मैक्सिमम थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे से तो मेरे को मार्केट तेज ही लग रहा है, वो भी 1-2 दिन का ही अगर ये थोड़ा डेटा नेगेटिव रहता है, और मैक्सिमम 950-960, इससे नीचे जाता हुआ नहीं मिल रहा है। इससे नीचे जाता हुआ दिखेगा तो मुझे दोबारा से स्टडी करनी पड़ेगी, फिर तो ये लाइन जो है मैं इसी का इंतज़ार करूंगा, इसके पास आके मार्केट क्या बिहेव करता है, जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है दोस्तों। चलो यही भी था और इसको फटाफट पोस्ट करता हूँ मैं, थैंक यू।